बेटा बाद में बाद में। अरे मैं मेरे मैं हाथ अरे बच्चे तू रुक जा सर, अरे धक्का मत मारो दादा दादा, आप लोग थोड़ा पीछे रहो ना, आप लोग थोड़ा पीछे रहो। आईएनए की ओर से एक सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, जहां खास तौर पर करोड़ों के टैक्स चोरी को लेकर ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए, आप कैसा लगा? देखो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब फैमिली वाले हैं, जितनी चीज़ें हैं सब प्रोसेस में हैं, सबके सामने हैं, यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन, और मैं पर्सनली भी आप लोगों से बात करूँगा इसके लिए। बट आई थिंक मैं जिसलिए नीचे आज आया हूँ, दीज फॉर दीज पीपल जो चार पाँच दिन से बाहर खड़े हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ये मुद्दा जरूरी है, बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे ना। सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जो रेड्स हुए हैं उसको आप मानते हैं? भाई देयर इज नो एलिगेशंस है, जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के, इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है? नहीं नहीं, मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ, हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम, और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूंगा। ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो ट्वीट आपने किया है ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ पे जमा किए उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए सिर्फ 2 करोड़ पे, जो सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि 17। मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हर फाउंडेशन के अंदर खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं, और दूसरी कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता, और एज़ पर रूल्स ऑल्सो जो 1-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे इसमें, कल देखेंगे और कम हो जाएंगे। जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए, वो उन्होंने कंधे पर हमारी जिम्मेदारी दी है। एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है, आई टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता कि आ जाए कल खत्म हो गया, अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आ गए, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज़ टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है, एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता, अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता, जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है, 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिला इम्पैक्ट गुरु, हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में, अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी प्रधान में, ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है। सो इट्स All the documents have been given, और ऐसे ही चलता रहेगा। Thank you so much, यार। And I'll meet you all personally, यार। And God bless you, यार। Thank you so much. Love you all. Thank you.